दिन से तो जबरदस्त सी उमस थी कि आदमी का हाल बेहाल हो रखा था। अखबारों में रोज आती थी कि आज बारिश होगी, लेकिन आज बारिश होने से काफी कुछ राहत मिली है। झुलसाने वाली गर्मी और उमस से बेहाल अजमेर वासियों को मानसून की बारिश ने दी राहत। बारिश से शहर की कई सड़कें हुई जलमग्न, लोगों ने जम कर लिया लुत्फ। झुलसाने वाली गर्मी और उमस के बाद आखिर मानसून की बारिश ने गुरुवार को अजमेर वासियों को कुछ राहत जरूर दी। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई और शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ। रुक रुक कर ही सही आसमान से बरसी राहत की बूंदों ने अजमेर के लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे दी। लोग इस बारिश का मजा लेने के लिए सड़कों पर निकले तो वहीं जल भराव की समस्या से वाहन चालकों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शहर में हुई झमाझम बारिश के चलते जेएलएन अस्पताल मार्ग, सावित्री कॉलेज मार्ग पर जल भराव हुआ तो वहीं अलवरगेट थाना और कोर्ट परिसर भी बारिश के पानी से लबालब हो गया। लोगों ने बताया कि जल है तो कल है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में बारिश सुकून देने वाली होती है, लेकिन अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से परेशानी ज़्यादा हो रही है। स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर में चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य सहित अन्य कार्यों की वजह से जगह जगह खड्डे होने और में पानी भरने की समस्या से शहरवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। हफ्ते सोमवार को अच्छी बारिश हुई थी, उसके बाद से गर्मी इतनी तेज़ हो गई कि लोग परेशान हो चुके हैं। कहीं भी कोई भी काम काज नहीं हो पा रहा है। मतलब उमस इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं जाने का मन किसी का नहीं कर रहा, चाहे ऑफिस हो स्कूल हो, मतलब इस तरह त्रस्त। आज शायद इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं जिस कारण से बहुत अच्छी वर्षा हुई है आज, और थोड़ी सी गर्मी से राहत लोगों को मिली है। इस तरह पानी भर गया, लेकिन कॉलोनियों के जो इस तरह जल का भराव है, कई जगह खड्डे हो रहे हैं, कॉलोनियों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुस चुका है, नाले बह रहे हैं, सड़कों पे जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है। सावित्री के बाहर भी पानी भर गया। हाँ जी, बिल्कुल, सावित्री के बाहर भी, बस स्टैंड के बाहर भी बिल्कुल पानी भरा हुआ है। आवाजाही पर बहुत प्रभाव पड़ा है कि लोग, ट्रैफिक भी जाम हो रहा है पानी की वजह से, गड्ढे भी हो रहे हैं। किस तरीके से राहत मिली अभी गर्मी से? राहत तो आप खुद ही फील महसूस कर रहे होंगे इस समय कि जो जिस हिसाब से बरसात हुई है, तो थोड़ी से थोड़ी माहौल में, वातावरण में थोड़ी ठंडक पैदा हुई है, जिसका वजह से लोगों को थोड़ी सी हल्के सा भाई गुड फील वाला माहौल लग रहा है कि भाई जैसे कोई आना जाना ठीक रहेगा। उमस गर्मी जो पसीना था वो दूर हो चुका है। आज जिस तरीके से चार पाँच दिन बाद बड़ी भयंकर उमस के बाद में आज बारिश हुई है, तो बारिश से आज मौसम ठंडा हुआ है, जिससे राहगीरों में और लोगों में जो उमस का माहौल था और जो गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही थी, उससे ठंडे माहौल से लोग त्रस्त थे। ठंडे माहौल से लोगों को अच्छा लगेगा, मौसम सुहाना होगा, लोगों को घूमने के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो पिकनिक स्पॉट से उनका भी भला हो सकता है कि पिकनिक स्पॉट से जो लोग हैं वो वहाँ पिकनिक स्पॉट पर जाएंगे, तो वहाँ पर जो खाने कमाने वाले लोग हैं तो उनका भी व्यापार चल पाएगा। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी बात ये जोड़ना चाहूँगा मैं कि जो जल भराव वाले क्षेत्र है अजमेर के अंदर, उन जल भराव वाले क्षेत्रों को प्रशासन को सोचते हुए, प्रशासन को उनके अंदर राहगीरों को ध्यान में रखते हुए और उसका समाधान करना चाहिए। गड्ढे भी हो रहे, जगह जगह पानी भर गया था। जिस जगह जहाँ गड्ढे हो रहे हैं वहाँ प्रशासन को सोचते हुए प्रशासन को उनको गड्ढे को भराव करना चाहिए, क्योंकि अगर गड्ढे का भराव नहीं होता है तो आने वाले समय के अंदर जैसे पानी भरा हुआ रहता है तो किसी भी गाड़ी में किसी राहगीर को परेशानी हो सकती है। मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश अच्छी हो गई है और उमस से थोड़ी राहत मिली है। इतने दिनों से जो गर्मी और उमस हो रही थी उसके बदले अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है और यहाँ पे मौसम सुहावना हो रहा है और अच्छा मौसम है, और इतने दिन से जो बारिश हुई है उससे थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। कई जगह पानी भी भर गया है और कई जगह पानी भी भर गया है और कई जगह अधिक जल भराव हो गया है, तो कई जगह मतलब सही है बारिश। अगर ये बारिश कंटिन्यू रहती है तो किस तरह से राहत मिलेगी? अगर ये बारिश कंटिन्यू रहती है तो मतलब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा और पब्लिक को गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। दो दिन से इतनी भयंकर उमस पड़ रही थी, बरसात गायब होने से पब्लिक बेहाल हो रही थी, आम जनता को परेशान हो गई थी। अब वापस थोड़ी बहुत बरसात हुई है भाई, उमस वो की वही पड़ रही है, मतलब बारिश पड़ रही है, उमस के अंदर कोई मतलब वो नहीं आता, निजात नहीं मिल रहा है, तो गर्मी को भी पड़ रही है। अभी धीरे धीरे बरसात पड़े तो जाके किसानों को बढ़िया लगे, और पानी बहते हो पानी के अंदर उमस होगी। अभी तो आज वापस बरसात हुई है, इससे कुछ राहत मिलना चालू हुई है वापस आम जनता को, हर इंसान को बढ़िया लगा, एकदम खुशनुमा माहौल हो गया है। और लेकिन स्कूलों की भीड़ भाड़ के कारण से पूरा अलवरगेट क्षेत्र पूरा जाम हो रखा है और पानी भर रखा है, और बारिश लगातार चल रही है छुटपुट के साथ में, कभी तेज़ कभी कम, और खुशनुमा माहौल हो रखा है।
अच्छा, तो किस तरह की गर्मी थी दो दिन से? दो दिन से तो जबरदस्त ऐसी उमस थी कि आदमी का हाल बेहाल हो रखा था। अखबारों में रोज आती थी कि आज बारिश होगी, लेकिन आज बारिश होने से काफ़ी कुछ राहत मिली है। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो रिमझिम बारिश हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और एकदम ऐसा है कि भाई भोलेनाथ पर अभिषेक चल रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई भोलेनाथ पर स्वयं अभिषेक कर रही हो प्रकृति। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका नाम?